शराब पी के हुड़दंग मचाना, चीखना चिल्लाना। हम इनसे सर रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन ये मानते नहीं है। हम इनके मैनेजमेंट में कॉल करते हैं, किसी को भी कॉल करते हैं, उसकी डिटेल्स हमारे पास सारी हैं। और विगत लास्ट केस में भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी है, ये चीखते रहे चिल्लाते रहे दारू पी के। इन्होंने मेरी बीबी का, जब हम इनसे रिक्वेस्ट करने गए कि बंद कीजिए बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इन्होंने मेरी बीबी के साथ हाथापाई करी, उसका कॉलर पकड़ो, उसे घसीटते हुए पूरा नीचे लाए हैं, गाड़ी ग्लॉच करी है सर इन्होंने लगभग लगभग आधे घंटे हमारे साथ। उसके बाद जब ये हमें धमकी देते रहे मारने की, जान से मारने की, फिर मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया, क्योंकि हम दो अकेले थे, ये काफ़ी लोग थे और बदतमीजी कर रहे थे, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर शशांक और डॉक्टर सुरती जो मेन थे, और बाकी इनके साथ और भी लोग थे। और जब ये मेरे सामने मेरी वाइफ को पकड़ के, गला पकड़ के नीचे लाए हैं, गाली गलौज कर रही हैं, और उसके बाद फिर मैंने अपने भाई को बुलाया है, और बिल्कुल आत्मरक्षा हेतु सर, और कोई भी पति नहीं देख सकता कि उसकी पत्नी को उसके गला पकड़ा जाए उसके सामने, और अपने अपने आत्मरक्षा हेतु ये किया। और इन्होंने भी हमें मारा है, उसकी रिकॉर्डिंग इन्होंने बनाई नहीं है, और थाने में हम गए हैं, इनसे पहले गए हैं, रिटर्न में हमने दिया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई रिसीविंग इन्होंने हमें नहीं दी। कल पूरे दिन हम थाने में रहे, इनके हाथ जोड़ते रहे, किसी ने कुछ नहीं दिया सर, कोई कार्यवाही नहीं करी इन्होंने, और हमें कहीं से कहीं सपोर्ट नहीं किया। मेडिकल वगैरह हुआ आपका? सर मैं थाने गया था मेडिकल करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जैसे ये बोल रहे कि हम बदतमीजी कर रहे थे, मेरे पास पर्ची भी है जो मैंने कटवाई थी वहाँ पे मेडिकल के लिए, लेकिन इनकी एक महिला डॉक्टर है, उन्होंने वहाँ पे से हमें बोल दिया कि आप बाहर निकल जाइए। तो सर हम बाहर आ गए, क्योंकि सारे ही लोग थे वहाँ पे जो पीजीज हैं, पी के सारे पिए हुए थे उस दिन भी हॉस्पिटल में, जब मैं मेडिकल कराने गया था। और थाने में कुछ नहीं किया सर, कोई सपोर्ट नहीं मिला हमें थाने पे, कोई नहीं, कहीं से कहीं। मैं इनसे पहले थाने पहुंचा, इनसे पहले रिटर्न में दिया, वो इन्होंने खो दी है, कह रहे हैं खो गई है, कभी बोल रहे हैं नहीं दी है, कभी बोल रहे हैं बाद में मिलेगी, कभी बोल रहे हैं ये सर आएंगे, कभी बोल रहे हैं वो सर आएंगे। तो सर हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप लोगों से मैं सपोर्ट चाहता हूँ। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे आप लोग एक बार उस मोहल्ले में जाइए विकास मार्ग में, और वहाँ के मोहल्ले में लोगों से पूछिए कि ये जो डॉक्टर्स हैं इनका कैसा बिहेवियर करते हैं और कैसे रहते हैं लोगों पे। ये सीटियां बजाते हैं रात रात, शाम को सीटियां बजाते हैं, गाली गलौज करते हैं, दारू पीते हैं, हुड़दंग मचाते हैं सर। ये चीज़ आप ज़रूर वहाँ से लीजिएगा सर लोगों से, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और हमारा पक्ष भी दिखाइए जिससे कि लोग हमारे सपोर्ट में आए और हमें भी सपोर्ट मिले। हमारी कोई गलती नहीं है, बदतमीजी इनकी है, हमने तो सिर्फ आत्मरक्षा में हमारी लड़ाई हुई है, और राहुल जी के चोट लगी है, उसके लिए मैं जरूर माफी चाहूंगा, राहुल जी से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। सर मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि अगर किसी लेडीज पे हाथ उठाया जाए तो उसका पति चुप तो बिल्कुल बैठेगा नहीं। दूसरी बात है, इन लोगों ने मुझे पहली सीढ़ी से घसीटकर डॉक्टर राहुल, डॉक्टर शशांक शर्मा और डॉक्टर आयुष एंड डॉक्टर श्रुति, ये लोग मुझे घसीटते हुए नीचे फ्लोर पे ले गए। तो ये मेरे पति से बर्दाश्त नहीं हुआ, इस चक्कर में ये सारी लड़ाई हुई है। हम इनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि प्लीज़ अपना शोर बंद करिए, हमारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं। इस कारण ये इतना, मतलब इतना बवाल मचा दिया इन लोगों ने कि अभी तो इन्होंने हद पार कर दी है। और इन्होंने ये वो वाला वीडियो डाला है जो इन्होंने खींचा है, क्योंकि हम उस समय दो तीन ही लोग थे, दो मेरे अटेंडेंट हैं जो होटल में काम करते हैं, और एक मेरा देवर, एक मैं और एक मेरे हस्बैंड और मैं इनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज़ आप बंद करिए। हमने PRO को भी कॉल करा है, प्रमोद सर को और जैन सर को भी कॉल करा है, तो उनके तरफ से हमारा कोई वो नहीं है कि उन्होंने मतलब कि बोल नहीं पाए वो या कॉल नहीं उठा पाए, उनका फॉल्ट है। मैं आपको वो दिखा सकती हूँ कि मैंने मैडम त्रिशला को कॉल स्पेशली करा है 11:06 पे कि प्लीज़ आप ये जो शोर शराबा हो रहा है ये बंद कर दीजिए। फिर इन लोगों ने हमें बोला है कि आप हमारे कमरे में डंडा लेके आए हो। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि अभी विकास मार्ग में स्कूल गुरु राम राय स्कूल के पीछे एक गाय को दबोचा है बाघ ने, और हमारा कमरा पीछे की ओर है जहाँ पे अंधेरा है। तो हम इनको इनसे मतलब पहले तो मैं मतलब ये बोलना चाहूँगी कि हम 11 बजे इन लोगों को चुप कराने के लिए अपने कमरे से बाहर आ रहे हैं कि प्लीज़ चुप हो जाइए, उसके बावजूद ये गाली गलौज कर रहे हैं। तो मैं तो प्रशासन से यही बोलना चाहूँगी कि कौन पति होगा कि अपनी पत्नी को मार खाते हुए या फिर उसका गला दबाते हुए देखे। और बस क्या बोलूँ सर, बाकी कार्रवाई क्या हुई अब तक? कार्रवाई हम तो पुलिस में गए थे, हमने पहले एप्लीकेशन दी थी, हम इनसे पहले आ गए थे, इन लोगों का कॉल शायद पहले ही चला गया, क्योंकि अभी ये इनका कहना है कि हम बड़े बड़े मतलब माँ बाप के बच्चे हैं, कि हमारे SSP हैं, हम पिथौरागढ़ से SSP बोल मतलब वो है जो भी है, मतलब इनका जो भी है, तो प्रशासन ने हमारा कोई साथ नहीं दिया है इस चीज़ में। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे पुलिस से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि एक तरफा इन्होंने वो लिया है ना, हमारा कोई
मतलब मुझसे पूछा है कि मैडम क्या हुआ है, क्यों, मतलब इतनी लड़ाई होने का कोई तो कारण होगा। और फिर हम दो लोग हैं वहाँ पे, दो लोग मतलब 10-12 लोगों को मार देंगे, ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अपने बचाव के कारण हमने अपने देवर को और हमारे दो अटेंडेंट है उनको बुलाया है, वो वीडियो में दिख रहा है और वीडियो में सब लोग ये देख रहे हैं। हमारा इधर पीजी हॉस्टल है डॉक्टर्स का, यहाँ पे सभी को रूम किया हो गया और इन्होंने वहाँ बाहर से गुंडे बुला के हमें पिटवाया। और उनके पास रोटे थी जो आपने वीडियोस में देख लिया होगा, तो रोटे थी ये वो। और ये जो कह रहे हैं कि हमने ये किया हमने वो किया, हमने कुछ नहीं किया, हमें इन्हें प्यार से बात की, ये पहले हस्बैंड वाइफ आए गुंजे ने की और अंजलि ने की, इन्होंने हाथ में एक लोहे की रोड थी एक हाथ में लट था, वहाँ मैंने कहा कि नहीं नहीं अगर कोई बात है तो आप पुलिस को बुलाओ, हम पुलिस से बात करेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद हमने कहा सब अपने रूम में जाने लग गए। इसके बाद ये और इसके कोई लोकल इन्होंने गुंडे गांडे लड़के बुलाए और सीधा आके सिर पे ये रोडों से मारने लग गए। मेरे सिर पे बॉडी पे रोडे बजी, सब कुछ हुआ और मेरे सिर पे ब्लीड हो गया और उसके बाद मेरे को चक्कर से आने लग गए शुरू हो गए। तो ये उसके बाद फिर हम इधर आए हॉस्पिटल आए कि सीटी स्कैन ये वो करवाना है हमने। तो उसके बाद ये हॉस्पिटल भी आए और हमें धमकी दी कि हम यहाँ के लोकल हैं, 50 बंदे बुला के हॉस्पिटल को लॉक करवा देंगे और तुम्हें जान से मरवा देंगे। और इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है। फिर आगे आपने क्या कार्रवाई करने के कहा? अभी हमने पुलिस में FIR रजिस्टर करवा दी हुई है, हमने सभी ने जितने भी थे, हमारे अन्य डॉक्टर भी थे, डॉक्टर शशांक, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर शशांक, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर शुद्ध और भी सारे डॉक्टर थे, तो उनके सभी ने हमने FIR रजिस्टर करवा दी हुई है। तब पुलिस अपना एक्शन लेगी। आपका नाम? डॉक्टर राहुल। लेकिन ये है उनके पीजी का जहाँ ये जिला अस्पताल में पीपीपी मोड पर चल रहा है पौड़ी में, उसके डॉक्टर्स जो रहते हैं, तो उनके द्वारा डॉक्टर राहुल से ने सैनी है जिनके द्वारा शिकायत दी गई है कि 28 तारीख की रात में जो है जो होटल हॉस्टल संचालक है वो उनकी पत्नी तथा उनके कुछ और साथी के द्वारा उनके साथ जो है मारपीट की गई है जिसमें उनके चोटें आई हैं। 3-4 डॉक्टरों के मेडिकल भी कराया गया है तो उनके चोटें आई हैं। इस संबंध में थाना हमारे बॉडी पर मुकदमा लिखा गया है जिसकी जांच जारी है।